हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। एंड इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी विल कंटिन्यू केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एज यू इन द यस्टरडे क्लास ऑन द 4th October वी स्टडीड अबाउट द बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड एंगल। वी आर स्टडीइंग द टॉपिक पैरामीटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, in which we have studied about the bond length and the bond angle. Okay, now today 5th October we will start bond enthalpy. What is bond enthalpy? बच्चों आज कल जो है कि सॉरी कल जो है 4 तारीख के क्लास में, 4 अक्टूबर की क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पढ़ा था, पैरामीटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। आज हम लोग जो है बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे और रेजोनेंस पढ़ेंगे। आज का हमारा 3 टॉपिक यही है जो कि मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि कल की क्लास में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो आज 5 तारीख जो हमारी 5th October है, 5th October की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर एंड रेजोनेंस। ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड तो सभी जान गए कि शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो रिलेशन डेवलप होते हैं दो एटम के बीच में, वो बॉन्ड है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसे बॉन्ड डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड का बनना भी होता है, बॉन्ड का टूटना भी होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ बॉन्ड बनता भी है, बॉन्ड टूटता भी है। बॉन्ड जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, किसी तरह का बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी उसमें रिलीज होती है। तो जो ये एनर्जी है उसी को हम इंथैल्पी बोलते हैं। एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। अब ये जो इंथैल्पी है, अगर बॉन्ड चाहे टूट रहा हो चाहे बॉन्ड बन रहा हो, इस दौरान जो इंथैल्पी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, नए बॉन्ड बनते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। और जब बॉन्ड टूटना होता है तो उस समय हमें एनर्जी देना पड़ता है। तो जो हम एनर्जी देते हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। एक बार फिर से बता दें, जब दो बॉन्ड बनते हैं, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कहते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो उस समय एंथैल्पी हमें देना पड़ता है। तो जब हम जो एंथैल्पी देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे डिफिनेशन क्या पढ़ना है? इनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल, इनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन द टू एटम्स इन द गैसियस स्टेट। चलिए देखिए, यहाँ पे गैसियस स्टेट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। ओके, वन मोल ऑफ बॉन्ड, आई बात समझे? 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए
जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारा बॉन्ड इंथैल्पी होता है। अब वन मोल बॉन्ड का मतलब हो गया एक बॉन्ड, टू मोल बॉन्ड का मतलब हो गया टू मोल, ओके। और जो हमारी एनर्जी होती है, जो इंथैल्पी होती है, जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है, उस बॉन्ड इंथैल्पी को हम लोग किलो जूल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? किलो जूल से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? उसको हम किलो जूल से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है, यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिट आप लोग भूल जाते हैं, पेपर में पूछा जाएगा जो यूनिट, उसकी जवाब उसका जवाब ऐसे नहीं देते आप लोग, ध्यान में रखिए यूनिट। देखिए पढ़ाई में हमें बेसिक चीज़ों को कभी छोड़ के नहीं चलना है, बेसिक चीज़ों को पकड़ के चलना है, क्योंकि बेसिक जो हमारी फंडामेंटल थिंग्स होती हैं वो हमें अपनी टारगेट तक पहुंचने में मदद करती है। 80% क्वेश्चन जो होते हैं सबके लिए सॉल्व करने के लिए होते हैं, 20% जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग उस 80% क्वेश्चन को ये सोच लेते हैं कि ये तो सभी सॉल्व कर लेंगे और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम 20% के पीछे पड़ जाते हैं और 20% के पीछे हमारा क्या होता है, 80% निकल जाता है और फिर हमें एग्ज़ाम में 20% 25% बहुत उड़ करके 30% 40% ऐसे नंबर आते हैं। अब हमें उस बेसिक चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हम 20% के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी 80% को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। तो याद रखिए कि जो यूनिट होती है किसकी, बॉन्ड इंथैल्पी की, यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, ओके, वो क्या होती है, किलो जूल पर मोल होती है। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो इंथैल्पी है वो कितना है, 435.8 किलो जूल पर मोल है, 435.8 किलो जूल पर मोल है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज 435.8 किलो जूल पर मोल, तो इसका क्या मतलब है। अभी क्या है, बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इसका मतलब है कि एक मोल हाइड्रोजन HH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत है। अब इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो जैसे एक्जोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, बॉन्ड तोड़ने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो क्या है, एनर्जी जो हम दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी जिसमें हम देते हैं वो एंडोथर्मिक होता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए। और जहाँ एनर्जी खुद रिलीज होती है, बाहर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। वहाँ पे हम डेल्टा एच को हम माइनस से दिखाते हैं, वहाँ डेल्टा एच अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी, इंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस होगी, निगेटिव होगी, ओके, वो क्या होगी, निगेटिव होगी। आई बात समझे? और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हम खुद हीट दे रहे हैं तो उस केस में ये पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। आई बात समझे? तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड इंथैल्पी जिस तरह से डिफाइन किया जा रहा है वो किसको बता रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताया जा रहा है। एक बार फिर से बता देते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन गैसियस स्टेट। याद रखना है, बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स,
इन अ गैसियस स्टेट, ओके। और यूनिट ऑफ बॉन्ड इनथैल्पी क्या होती है, किलो जूल पर मोल, क्योंकि डिफिनेशन में बोले वन मोल एनर्जी रिक्वायर्ड, वन मोल एनर्जी रिक्वायर्ड ये बोला जा रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, यूनिट पे विशेष ध्यान देना है। अब अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में कर लाना है, यानी उसका एटमाइजेशन करना है, यानी उसका एटमाइजेशन करना है, इसी को हम एटमाइजेशन इनथैल्पी भी कह सकते हैं। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, एटॉमिक फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनथैल्पी रिक्वायर्ड एक मोल के लिए कितनी है, 435.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे है ओटो मॉलिक्यूल, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। क्यों डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अब उनको पूरा करने के लिए कितने चाहिए, दो चाहिए, तो आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो O2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 498 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत पड़ रही है, 498 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत पड़ रही है, ओके। यानी एटमाइजेशन की इंथैल्पी जो ऑक्सीजन की है वो 498 किलो जूल पर मोल है। अब हाइड्रोजन से तो ज़्यादा हो गए, हाइड्रोजन की कितनी थी 435.8, अब यहाँ पे 498 है किलो जूल पर मोल, यानी जितने नंबर आप बॉन्ड दो एटम के बीच में बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब जैसे एग्जांपल के रूप में नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 946 किलो जूल पर मोल, 946 किलो जूल पर मोल आ रही है, दिख नहीं रहा होगा तो अभी हम दिखा रहे हैं कि कहाँ आ रही है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन की जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी कितनी है, 946 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे तीन बॉन्ड बन गए, क्या हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, अब इन तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे हमें क्या पता लगता है, अब हमने बस इतना पढ़ लिया कि हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड था 435.8 था और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड थे, तो उसकी इंथैल्पी जो थी वो 498 थी, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड थे 946 किलो जूल पर मोल थे। अब इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, इसका जो है कंसिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखना। केवल हमने ये पढ़ लिया कि इससे इतनी एनर्जी निकल ले, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये पढ़ लिया से काम नहीं चलेगा। अब उसके रिजल्ट क्या है, उससे फ़ायदे क्या चीज़ें, हमें क्या कंक्लूजन निकलना है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। हमें उतने तक पढ़ के छोड़ नहीं देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं उनके बढ़ते बढ़ते जो है कि एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि लार्जर द बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी, हमने कहा कि इसी को बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी भी कह सकते हैं, अगर बॉन्ड तोड़ रहे हैं इसको एटमाइजेशन इंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लार्जर द बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी स्ट्रोंगर विल बी बॉन्ड, क्या होगा, स्ट्रोंगर विल बी बॉन्ड। जितनी ज़्यादा हमें इंथैल्पी देनी हो रही है
इसका मतलब ये है कि उसकी जो है कि बॉन्ड क्या है वो स्ट्रोंगर है। ओके, लेकिन अगर हम किसी अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो किसके लिए किया था बताइए। अभी हम लोगों ने देखा कि हमने H2O2 N2 के लिए किया। तो H2 N2O2 ये सब क्या है? होमो न्यूक्लियर। क्या है? होमो न्यूक्लियर। और अब अगर हम देखते हैं हेट्रो न्यूक्लियर की बात करते हैं। हेट्रो न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ? जिसमें दो डिफरेंट एटम है, दो डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं, डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो हेट्रो न्यूक्लियर में जैसे हमें डाई एटॉमिक ले लेते हैं, क्या लेते हैं? डाई एटॉमिक HCl को ले लेते हैं। ठीक है, ये डाई एटॉमिक है। अब HCl को एटमाइज करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कितनी है? 431.0 किलो जूल पर मोल है। अब इसका भी मतलब पूछ सकता है कि भाई हाइड्रोजन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का जो है कि 435.8 किलो जूल है, यानी 436 के आसपास है। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि HCl के केस में एनर्जी कम क्यों हो गई? सिंपल सी बात है, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही एनर्जी मिलेगा तुरंत बॉन्ड टूट लेगा, तो इसलिए कम एनर्जी में ही बॉन्ड टूट जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब अगर यही पॉली एटॉमिक आ जाता है, पॉली एटॉमिक का मतलब हो गया कि जैसे CO2 आ गया, क्या आ गया? CO2 आ गया, HCO3 आ गया, H2CO3 आ गया। अब ये पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजर करना, इवन H2O की अगर बात करते हैं, H2O की, ठीक है, मेजर करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है भाई? सीधी सी बात है कि वहां पे पहले हमने जहां देखा एक साइड बॉन्ड बना हुआ था, या दो दो साइड बॉन्ड बना हुआ है, दो दो साइड में बॉन्ड बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों साइड में हाइड्रोजन है। तो अब ये तो क्या इसको मान सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड इंथैल्पी सेम होगी? कभी सेम नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों की इंथैल्पी डिफरेंट होगी। तो इसलिए पॉली एटॉमिक में कभी पूछ दिया गया है कि वाई इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स अ कंपाउंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द बॉन्ड इंथैल्पी आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू मेजर द बॉन्ड इंथैल्पी बिकॉज नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ईच बॉन्ड इज डिफरेंट, नॉट सेम। सेम नहीं है, डिफरेंट है। और डिफरेंट है इसलिए जो है क्या है, डिफरेंट है इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स है। उसकी स्टडी करना, उसका मेजरमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अब वहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी को क्या करेंगे, एवरेज के रूप में निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग वाटर का, जैसे कि किस तरह से वाटर का हम निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए वाटर के केस में यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। वाटर के केस में देखिए, पहले यहाँ वाटर अगर टूट रहा है तो कम्प्लीटली नहीं टूट रहा है। H2O H+ और OH- में टूट रहा है पहले,
तो वहाँ पे जो बॉन्ड इंथैल्पी हुई है 502 किलो जूल पर मोल है। अब जब फर्दर हाइड्रोजन OH से निकलेगा तो 427 किलो जूल है। इसका मतलब कि दोनों की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट है। एक पहले हाइड्रोजन निकला है तो 502 और 502 किलो जूल पर मोल है। अभी जब दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हुआ है यानी कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो 427 है। अब यहाँ पे जो है कि हमें जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमें क्या दिखा रही है, दिखा हमें ये रही है कि जो सेकेंड बॉन्ड OH बॉन्ड है वो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, H टूटा OH माइनस बन गया, केमिकल इन्वायरमेंट हो गया चेंज, और यही कारण है देयर इज दिस इज द रीजन फॉर सम डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, यही कारण है। एक बार फिर से बता रहे हैं, जो हम वाटर के केस में डेल्टा एच की वैल्यू देख रहे हैं 502 427, वो हमें क्या बता रहा है, बता रहा है कि वहाँ पे दोनों OH बॉन्ड की इंथैल्पी जो है सेम नहीं है, क्योंकि जब एक बॉन्ड टूटने के बाद जब दूसरा बॉन्ड टूट रहा है तो केमिकल इन्वायरमेंट में भी चेंज हो रहा है, और यही कारण है कि अगर OH बॉन्ड कहीं जहाँ 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 भी बना होगा, जिस जिस जगह बना होगा वहाँ पे क्या होगा, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट उसकी एनर्जी होगी। जैसे चाहे हम अल्कोहल की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं तो इन दोनों जगह पे OH की वैल्यू अलग अलग होगी OH बॉन्ड की, और इसीलिए जहाँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं वहाँ पे हम मीन एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालते हैं, मीन और एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालते हैं, एवरेज मीन और एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वाटर का हमें एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, अगर एवरेज मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। 502 प्लस 427 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी एवरेज या मीन आ जाएगी, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी 502 प्लस 427 डिवाइड बाई 2 एंड एनर्जी कितनी आई, 464.5 किलो जूल पर मोल। देखिए इंथैल्पी बढ़ गई 464.5 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों हमें लगता है आज आप लोग जो है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बारे में बहुत अच्छे से जान गए। अब बारी है बॉन्ड ऑर्डर की। हालांकि बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ेंगे, एक बार वहाँ हमें बॉन्ड ऑर्डर पढ़ने का मौका मिलेगा। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में क्या बताता है हमें, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सोचना नहीं है। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, उसी को हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। आई बात समझे, अगर जैसे हाइड्रोजन को ले लें, H2 मॉलिक्यूल ले लें, तो वहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, एक, वहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, एक है, ठीक है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एक है, तो
इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बी ओ इसका हो गया 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, दो दो बॉन्ड हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर डाई एटॉमिक मालिक्यूल में देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, इसीलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या उसकी बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है डाई एटॉमिक में। बहुत पते की बात है कि डाई एटॉमिक में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या बॉन्ड इंथैल्पी या एटमाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 3 है। 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 3 बॉन्ड है, तो तीनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और इस तरह से उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम आता है। जैसे कुछ हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं आज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल F2O2- हैव बॉन्ड ऑर्डर 1, N2CONO+ हैव बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, अब अगर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आप बताने जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बस ये आज की क्लास के लिए यही लास्ट पॉइंट है। क्या है, इन जनरल कोरिलेशन यूजफुल अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी मगर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज हम लोग दो ही टॉपिक देख पाए, एक तो बॉन्ड एंथैल्पी और दूसरा जो है बॉन्ड ऑर्डर। तो कल की क्लास में हम लोग फिर रेजोनेंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना अपना ख्याल रखिए, मास्क पहन करके बाहर जाइए, ऐसे बाहर मत निकल।